गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जो दोस्तों, एक बार फिर आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो हाँ, सुबह हो चुकी है और बारिश का माहौल, मतलब बूंदाबांदी हो रही है एकाक, और इसके पहले भी बूंदाबांदी हो रही है बहुत समय से। हम भी नाश्ता करके घर से आ रहे हैं, अभी सो करके उठे। थोड़ा तो ठंड मौसम था। जरई देखिए, जरई मतलब बिया बिया एकदम तैयार हो चुकी है, मतलब कि दो दो अंगूर की हो चुकी, इतनी बड़ी बड़ी। और हाँ, इसमें तो अब बारिश हो गई है, मतलब अब और तेज़ से बढ़ेगी, क्योंकि बारिश का पानी जब पड़ता है तो ये बहुत तेज़ बढ़ती है, क्योंकि मौसम भी ठंड रहता है, धूप होती नहीं है, तो जिससे कि बढ़ती बहुत तेज़ है। उसके अलावा आप चलते हैं टेबल पर, देखते हैं कोई काम अगर हो तो, नहीं तो फिर चलते हैं, कोई काम होगा तो ज़रूर करेंगे। और हाँ, चलते हैं देखते हैं, आम वाम अगर गिरा हो तो वो भी खाते पीते हैं। और तालाब थोड़ा सूख रहा है, क्योंकि इसका करार जो था बहुत तेज़ कट रहा था, तो हमने इसमें पानी थोड़ा कम कर दिया। ये देख सकते हैं पीछे कटा हुआ है, और बाजड़े में भी पानी भर दिया है। जड़ का तो सब कुछ हो चुका है। हाँ, तो मिलते हैं। ये देखिए हमारी लहना बालने वाली मशीन, जिससे लहना बाल चुके हैं, अभी अभी लाइट से बाल देते हैं, मतलब मोटर लगा है यहाँ पर, है जानवरों को खिलाने के लिए। यहाँ से कुछ गया कुछ है, जो लाइन आती है उससे ही बाल देते हैं। और यहाँ पे एक डेंजर चीज़ है, जो है ये तार ऊपर गया ना, ये तार बहुत नीचे है, अगर हाथ से इसे थोड़ा ऊपर और हो जाए ना, तो आदमी का हाथ सट जाएगा उसमें। और हाँ, ये रहा, बारिश की बूंदाबांदी हो रही, उसके बावजूद हमारा ट्रैक्टर यहाँ पर खड़ा है बरसात में ही। वहाँ पे लगाना, लेकिन अभी हम सोच रहे हैं उसमें खटिया डाले हैं, बरसात हो नहीं रही है तो क्या लगाएं, बारिश होगी तो इसे वहाँ पे खड़ा कर देंगे। तब तक यहाँ पे लेते हैं आनंद। और हाँ, ये रहा पानी, पानी देखिए कितना साफ है, ग्रीन ग्रीन एकदम दिख रहा है, और इसके अंदर का भी दिखता है, क्योंकि ट्यूबवेल से भरा गया है, गंदा पानी नहीं है इसमें। गंदा तब होता है जब बच्चे आके नहाते हैं ना, तो गंदा हो जाता है, क्योंकि अंदर की जो माटी होती है उसे हीड़ देते हैं। यहाँ पे आके वो खेला खेलने लगते, मतलब छुअंता छुअंता आप शायद जानते हैं कि नहीं, एक दूसरे को छूना रहता है सर। और जो एक चोर रहता है, मतलब एक जो रहता है, मतलब चोर का मतलब ये हुआ, जो उसमें जिसे सबको छूना होता है वो उसके बाद यही करते हैं। तो और ये रहा हमारा पराला, मतलब पुअरा जिसे कहते हैं, पूरा पराली, ये पूरा यहाँ पे गजा हुआ है। ये जब धान का सीजन था, इसके पहले वाला, तब का ये गजा हुआ है, और इसे रखा गया है। ये थोड़ा और सड़ जाएगा ना, इसे जलाया नहीं जाता, क्योंकि प्रदूषण होता है तो इसे जलाते नहीं हैं, इसे यहाँ पर रखे हुए हैं। और इसे किसी खेत में डाल करके, जोत करके किसी खेत में डाल करके, उसके बाद दवा डाल देंगे तो ये सड़ जाएगा, खाद हो जाएगा, या तो फिर और सड़ जाएगा, यहीं पर रहेगा तो फिर इसे हम खेत में डाल देंगे। और जामुन देखते हैं गिरी है कि नहीं। और ये रहा हमारा रोटावेटर, जिसकी डिजाइन मतलब पेंट हम लोगों ने स्वयं किया है, इसमें रेनोवेट करके देखिए फार्म प्रो पुनः पेंट किया है अभी जल्दी। और एक रहा ये कल्टीवेटर, जो यहाँ पर रखा गया है, जो आपने देखा है। और ये पाकड़ पे, पहले यहाँ पे पेड़ थे, लेकिन अब दो तीन पेड़ कट गए हैं सफ़ेदा के। और जामुन भी तो है, लेकिन खाने लायक नहीं है। और ये सरकारी नलका है, जो गंदा पानी देता है, और जल्दी पानी भी नहीं फेंकता, करीबन दो तीन मिनट तक चलाओ, उसके बाद पानी आता है, वो भी गंदा पानी आता है, एकदम बालू। तो हाँ, यही देखते हैं कोई काम होगा तो। बारिश हो गई तो कोई काम तो है नहीं खेत का, क्योंकि बजड़ा बाजड़ा साजड़ा कट चुका है, बाल भी जा चुका है, अब चला जाएगा, जानवर खा लेंगे। तो हम मिलते हैं। आज हम यहाँ पर खा रहे हैं, हमारे साथ कौन खा रहा है, तुम्हारा क्या नाम है बाबू? अर्पित यादव। क्या खा रहे हो? सब्जी। हमारे साथ हमारा बाबू खा रहा है हीरो। क्या खा रहे हो? सब्जी।
ठीक है। हाँ खाने खाने मजा आ रहा है, अचार भी खा रहे हो, और टीका उका लगा के आया, पूजा करके बाबू आया, ये खाना लेकर के आया है ना, खाना तुम ही लेकर के आए ना बाबू, खाना लेके आया है, आज घर नहीं जाना है, यहीं पर खाना है, बारिश का माहौल बना है तो आनंद लेते, पहले खाना खाते हैं। खाने में दाल भात इतने बार हम खाते नहीं, सुबह भात चावल नहीं खाते हैं, और सब्जी है, रोटी करेले की सब्जी और अचार है तो खाते हैं। Drifted out to sea. All the nights we dance away.